नमस्ते दोस्तों, मैं हूं संग्राम सिंह और मैं आज आप सबके साथ एक ऐसा टॉपिक शेयर करने वाला हूं जो सेंसिटिव भी है मगर वो समाज में आजकल एक्चुअली बहुत हो रहा है। आजकल बच्चे घर से भाग रहे हैं, शादी कर रहे हैं, लव मैरिज कर रहे हैं या वैसे भाग जाते हैं, ये क्या कारण है? वो फोकस नहीं होते। तो मैं आज आपको उसके कारण बताऊंगा और उसके उपाय बताऊंगा ताकि ये आप सब, अगर पेरेंट्स हैं तो आप अपने बच्चों पे अप्लाई कर सकते हैं और अगर मेरे युवा दोस्त हैं तो आप खुद भी अप्लाई कर सकते हैं। तो अब मैं गांव में गया, मेरा गांव पड़ता है हरियाणा रोहतक के पास ही पड़ता है। तो मैंने देखा कि गांव में 10-12 बच्चों ने भाग के किसी ने शादी कर ली, कोई भाग गया घर से। और कई तो ऐसा होता है कि मैंने देखा कि एक दो लड़की शादी थी, उसका फादर, उसका पिताजी ऐसे जान नोन था मेरा, वो पेंट वेंट करवा रखा उन्होंने, सब कुछ करवा रखा, और किसी की बेटी भाग जाए शादी से 5-7 दिन पहले, 2-4 दिन पहले, तो उसके उस पिता के ऊपर क्या बीतेगी? मैं समझ सकता हूँ कि आजकल तो गांव का जो हिसाब किताब है ना वो काफ़ी टफ हो गया, मतलब शहरी उसके मुकाबले थोड़े से सेफ हैं, ठीक है अगर ये देखें तो। तो मैं आप सबको बता रहा हूँ कि आजकल बच्चे ये सब क्यों कर रहे हैं। देखो क्या है, सपने बड़े हैं और उनको पता नहीं कि क्या करना है, पूरा कैसे करना है। ये पता चल गया कि भैया वो है, वो ऊंचाई है, वो टॉप तक जाना है, मगर उनको रास्ता ही नहीं पता कि देखा उन्होंने ये सारी चीज़ की, भैया ये हमारा सपना है और हमें ये करना है, और उन्हें पता ही नहीं कि वो करना है क्या है, कैसे जाना है, कैसे क्या करना है। फिर नंबर दो कि माता पिता जो बच्चों ने बोला ना, जो मुंह से निकाल दिया वो सारी चीज़ पूरा करते हैं। अगर मान लो पिता चाहे हर जरूरत को पूरा करते हैं, माता पिता चाहे मजदूरी कर रहे हो, चाहे कुछ भी कर रहे हो, अगर बच्चे ने बोल दिया ना कि मुझे जूते पहने 4,000 रुपये के, 5,000 रुपये के, तो माता पिता क्या करेंगे? वो अपना पेट काट के उनको देंगे। जब हम रनिंग करते थे हमारे पैरों में शू नहीं होते थे, जूते नहीं होते थे, बस का किराया नहीं होता था, टी शर्ट नहीं होता था, तो उनको वो वैल्यूज़ का उतना वो पता नहीं लगता, तो उनको हर चीज़ आगे मिल जाती है, तो फिर वो कहाँ उनको करियर की, कहाँ फोकस की, कहाँ हर चीज़ की उनको कदर होगी, ये सारी चीज़ें रहती है। फिर क्या है कि आजकल जो ये सोशल मीडिया है या टीवी है, फिल्म है, OTT प्लेटफॉर्म है, ये बढ़ गए हैं। अच्छी बात है, देखिए मोबाइल आ गया, अब आप उस पर स्टडी कर सकते हो, मगर दिक्कत क्या है कि ये गलत चीज़ भी देखता है, जैसे बच्चे देखते हैं वेब सीरीज भी देखते हैं, फिल्म में देखते हैं, वाह हीरो हीरोइन भाग के शादी कर रहे हैं, हैप्पी एंडिंग होता है, खाली फिल्म में होता है भैया, ये रियल लाइफ में होता है, रियल लाइफ में नहीं होता। मैं वही बात आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, रियल लाइफ बड़ी टफ है, बड़ी खतरनाक है। तो इसको भी अपने बच्चों को सिर्फ मोबाइल उतना दो कि जितना उन्होंने स्टडी किया नॉर्मली हुआ, फिर बाकी मोबाइल छीन लो, और थोड़े से अपने बच्चों पे थोड़े कठोर हो जाओ, कठोर हो गए तो उनका भविष्य सुधर जाएगा, उनकी जिंदगी सुधर जाएगी। फिर क्या है कि हमेशा याद रखो कि मक्खन लगाने वाले के हाथ में चाकू होता है, कि जो मीठी मीठी बात करेगा ना, जो अच्छी बात करेगा, और यंगस्टर क्या होते हैं, जो ये एज होती है ना 12 से 20, 25, इसमें माता पिता दुश्मन लगते हैं, अच्छी बात बताने वाला भी दुश्मन लगता है, और जो इनको ऐसी बात करता ना, आज तो फिल्म देख लेंगे, आज तो ये कर लेंगे, आज तो वो कर लेंगे, कल ये करना है, वो इनको अपना सबसे बड़ा दोस्त लगता है, और ये पता नहीं कि वो इनकी जिंदगी की जो बेशकीमती जो चीज़ें हैं, जो इनका गोल है, जो इनका लक्ष्य है, वो इनसे सब छीन रहे हैं, वो चीज़ें, वो बातें, वो सारा सब कुछ करना। फिर क्या है कि गलत संगत, संगत मैं नहीं कहूँगा, खाली दोस्त ही गलत होती है, चाहे आपके परिवार में या बाहर है, जो भी सही गाइड नहीं कर रहा, जो भी गलत गाइड कर रहा है, वो हर संगत गलत है, चाहे वो छोटा है बड़ा है। दोस्तों देखो कई दोस्त तो ऐसे ही करते हैं जो गलत गाइड ही करते हैं, छोड़ो ना यार आज ये कर लेंगे, हमारी उसमें भी आते हैं, चाहे हमने स्टडी किया या स्पोर्ट्स किया। और फिर एक चीज़ क्या है कि वैल्यूज का ना होना। पहले हम क्या था, जब हम बड़े हुए ना तो हमारे माता पिता ने, मुझे आज भी याद है, मेरी माँ बोलती थी बेटा ये जो पैसा है वो दूसरे का पैसा है, दूसरे की बहन बेटी आपकी बहन बेटी है, हमारी बहन बेटी है। तो आजकल होता नहीं था, पहले क्या होता था कि पड़ोसी हमारे घर का हिस्सा होते थे, आजकल घर में ही ढेर सारे पड़ोसी हैं, सब सोशल मीडिया पे लगे रहते हैं, सब अपने अपने उसमें लगे रहते हो, पता ही नहीं उनको बच्चे क्या कर रहे हैं, क्या चल रहा है, क्या हो रहा है, ये भी गलत है। तो अब मैं इसके उपाय बताऊंगा कि भैया इससे आप बचने कैसे कर सकते हो। माता पिता को चाहिए कि वो वैल्यूज दे, मॉरल वैल्यूज दे, उनको बताए कि भैया जिंदगी ये है, और उनको हर चीज का एहसास करवाए, 1 रुपये कीमत समझाए उनको, हर छोटे छोटे संस्कार समझाए कि जो चीज आएगी घर में बांट के खानी है, बड़ों के पैर छूने हैं, ये सारी चीज़ करनी है, नहीं नहीं मेरा बेटा तो ये है और मेरा बेटा तो वो है, वो उनको बिगाड़ लेते हैं, फिर थोड़े दिन में उनके हाथ में आते हैं, चाहे लड़का हो या लड़की हो, उनको वैल्यूज दो और एक कठोर शिक्षक बनो, जब तक बच्चा 17-18 साल का नहीं होता उस पर कठोर शिक्षक बनो, उसके बाद उसके दोस्त बनो,
अच्छी बात है। जो आजकल तो क्या होता है कि स्कूल में किसी ने कुछ कर दिया ना, वो टीचर भी अरे डांट दिया, ये कर दिया, आजकल है ना हिमायती बन जाते हैं ढेर सारे बच्चों के। हमें तो टीचर ही पीटते थे, घर वाले पीटते थे, पड़ोसी पीटते थे, फिर घर आगे पीटते थे, और वो चीज़ अच्छी भी थी क्योंकि उस चीज़ की बदौलत है कि हम अब बैठे हुए और ढेर सारी हमें मेमोरी मिली हुई है। मगर आजकल तो वो चीज़ है नहीं, मगर ये करो फिर सही लोगों का साथ संगति उनकी होनी चाहिए। ये देखो कि भैया आपका बच्चा किस में बैठ रहा है, भले ही वो किसी के पास बैठ रहा है, बड़ों में बैठ रहा है, छोटों में बैठ रहा है, कि उनकी सोच सही होनी चाहिए, उनकी दिशा सही होनी चाहिए। अगर आपका दोस्त है तो वो स्टडी फोकस होना चाहिए, अपने करियर फोकस होना चाहिए, कि वो चीज़ सारी उसकी वो सही सुनो। ये नहीं कि आपने वो कुछ भी कर रहा है और आपने सुन लिया। और मैं सब बच्चों बताऊंगा कि भैया बड़े गोल की बजाय छोटे छोटे गोल बनाओ और उनको पूरा करो। जब आप छोटे छोटे गोल बनाओगे ना, उनको अचीव करोगे, तो आपका जो कॉन्फिडेंस है बूस्ट होगा, और जो फिर सारा बड़ा गोल भी आपके लिए छोटा हो जाएगा। ये नहीं कि भैया आपको एकदम उस पे चढ़ना है, माउंट एवरेस्ट पे चढ़ना है, पहले छोटी छोटी पहाड़ी चढ़ दो, फिर उससे बड़ी चढ़ ली, या फिर माउंट एवरेस्ट पे पहुंचेंगे। एकदम थोड़ी पहुंचता कि छलांग लगाई और ऊपर पहुंच गए। धीरे धीरे होता है, प्रयत्न धीरे धीरे होते हैं। अगर आप मेहनत करोगे, प्रयत्न की ऊंचाई इतनी होती है कि वो हर चीज को काट देती है, दबा देती है, मगर एक टाइम के साथ, हर चीज के साथ। हर रोज वर्कआउट करो भैया, योगा मेडिटेशन करो, जो हमें कहते हैं ना कि स्वस्थ तन में ही स्वस्थ दिमाग रह सकता है। अगर आपका शरीर ठीक नहीं है, फिट नहीं है ना, आप कितने ही सोच लो, कितने ही कुछ कर लो कि भैया ये से ये चलेगा ही नहीं, ये भी तब चलेगा, इसका और इसका बहुत संबंध होता है। ये ठीक है तो ये ठीक है, ये ठीक है तो ये ठीक है। इसलिए मेडिटेशन करोगे तो ये ठीक हो जाएगा, योगा करोगे ठीक होगा, एक्सरसाइज करोगे, प्राणायाम, बाकी चीज़ें करोगे, कसरत करोगे तो ये शरीर ठीक होगा। हर रोज ये हैबिट बना लो और बुरी आदतों से बचे रहो। स्मोकिंग है, ड्रिंकिंग है, या कुछ भी है, जो भी लत है ना, वो खराब लत है, उनसे आप बचे रहो। और फिर एक चीज और आप अपनी गांठ बांध लो कि भैया माता पिता कोई भी है, उनको है ना अपने इतिहास के हीरो की नॉलेज दो कि हमारे हीरोज कौन थे, कि भगत सिंह ने क्या किया, कि सिर्फ 20-22 साल की एज में वो लड़के सारे शहीद हो गए, उन्होंने क्या किया, कि कितनी मेहनत की। दूसरे क्या थे कि भैया उन्होंने कितनी मेहनत की, वो छोटी सी एज में उन्होंने, चंद्रशेखर आजाद थे, राजगुरु सुखदेव साहब थे, सुभाष चंद्र बोस जी थे, तो इन्होंने के हम सब के लिए, हम सबको आजादी दिलाने के लिए इन्होंने अपने प्राणों की आहुति दे दी। चाहे वो राम प्रसाद बिस्मिल जी थे, मंगल पांडे जी थे, जो अपने हीरोज हैं ना, लाल बहादुर शास्त्री साहब, जो अपने हीरोज हैं उनके बारे में नॉलेज दो कि भैया उन्होंने ये सब किया। और एक पुरानी कहावत है कि जो देश और समाज के लिए जिसमें प्रेम होगा ना, वही इंसान आगे जा सकता है और वही तरक्की कर सकता है। और मैं कह रहा हूं कि फिर वो छोटी मोटी चीजें करेगा भी नहीं। देखो क्या होगा, जो देश समाज के लिए सोचेगा ना, वो गलती कर सकता है, वो गलत नहीं कर सकता। तो उनको है ना अपने हीरोज के बारे में बताओ कि रानी लक्ष्मीबाई जी कौन थी, ये सब कौन थे, उन्होंने क्या किया। ये नहीं कि वो भगवान श्री राम के आदर्शों से सीखो, भगवान श्री कृष्ण के आदर्शों से सीखो। कोई भी आप किसी भी जाति, किसी भी धर्म, किसी मजहब से बिलोंग करते हैं, आप अपने अपने हीरोज के बारे में उनको बताओ जिन्होंने समाज के लिए, देश के लिए अच्छा काम किया और एक उदाहरण पेश किया है। तो अगर आप ये बातें ध्यान रखेंगे ना, तो मैं कह रहा हूं कि मेरे युवा दोस्त ये घर से भागने से, ये पथ भ्रष्ट होने से, ये सब करने से बच जाएंगे। तो मुझे उम्मीद है कि आप ये सब करेंगे। अगर कोई एक माता पिता ने अपना एक बच्चे को भी ये ज्ञान दे दिया, कोई मेरा एक दोस्त भी सुधर गया, तो ये मेरा वीडियो बनाना आप सबके लिए सार्थक हो जाएगा। परमात्मा आप सबको खुश रखे। नमस्ते, जय हिंद।